वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ शॉर्टकट की के बारे में, जो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है, आपका टाइम सेव करते कर सकती हैं काम करते टाइम। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। अगर आप मान लो काम कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, सडनली आपको स्क्रीन शॉट लेके देना है, तो क्या करना है, आपको विंडो के साथ शिफ्ट दबाना है। विंडो शिफ्ट एस दबाएंगे तो आपको ड्रैग करने का ऑप्शन आ जाएगा, ड्रैग करें और ये ऑटोमेटिकली कॉपी भी हो जाता है, और इसको कहीं भी जाके आप पेस्ट कर दें, किसी भी चैट में पेस्ट कर दें, कहीं भी देना जहाँ पे। नंबर टू, अगर आप जिस भी विंडो पे काम कर रहे हैं, मान लो मैं इसी पे काम कर रहा हूँ और सडनली मैं इसको डाउन करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप मूव करना चाहता हूँ, विंडो के साथ डी दबा दें, वो आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। नंबर थ्री, अगर आप बहुत सारी विंडोज ओपन कर रखे हैं, जैसे मैंने नीचे बहुत सारा ओपन कर रखा है, आप उसमें स्विच करना चाहते हैं, अल्ट के साथ टैब दबाएं और जहाँ भी जाना है वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएं। तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ, जहाँ भी जाना है मुझे मैं वहाँ जाके स्टॉप हो जाऊँगा तो वो हो जाएगा। नंबर फोर, आप टास्क मैनेजर में देख रहे हैं जिस ऑर्डर में यहाँ पे है, अगर इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको ओपन करना चाह रहे हैं तो विंडो के साथ उस नंबर को दबाएं जिस नंबर पे आप उसको ओपन करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये क्रोम मेरा सेकंड नंबर पे है, विंडो के साथ टू दबाऊंगा तो क्रोम ओपन हो जाएगा। और लास्ट वाला है कॉपी पेस्ट, जो सबको पता है, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। एक और बटन रहता है, आपको यहाँ पे आना है, जैसे मैं अल्ट टैब का यूज करके दूसरी विंडो पे आता हूँ, इस तरह से इस वाले भी बटन को दबा देना है। ये बहुत काम का बटन है, आपके बहुत काम आएगा, इसलिए इसको दबाना जरूर है। तो दोस्तों मैं इसी तरह वीडियो बनाते रहता हूँ, उसको दबाना भूलिए मत, दबा दीजिए, प्लीज दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।